मनों को प्यार से अपना बनाती है, जो हर धर्म को एक धागे से बांध जाती है, जो देवनगरियों में देवों की गाथा सुनाती है, वो हिंदुस्तान की भाषा है। वो हिंदुस्तान की भाषा है जो हिंदी कहलाती है। राधा कृष्ण की प्रेम की भाषा ये हिंदी है। हमारे विश्व गुरु भारत की आशा ये हिंदी है। ये हिंदी है जिसने विश्व को प्रेम सिखाया है। ये हिंदी है जिसने विश्व को प्रेम सिखाया है। हर हिंदुस्तानी के दिल की अभिलाषा ये हिंदी है। ये हिंदी माँ हमारी है। ये हिंदी माँ हमारी है जिसने जीना सिखाया है। हिंदी के कवियों ने विश्व को पंक्तियों में छुपाया है। ये हिंदी वो है, ये हिंदी वो है जो हिंदुस्तान की हर गली में रहती है। ये हिंदी वो है जो हिंदुस्तान की हर गली में रहती है। और हमारे विवेकानंद जी ने हिंदी में विश्व में इतिहास बनाया है। जो अंग्रेजी को हिंदी से ऊंचा बताते हैं, जो अंग्रेजी के दो शब्द से अपनी शान बढ़ाते हैं, उन नासमझ समझदारों को तुम बस इतना समझा देना, उन नासमझ समझदारों को तुम बस इतना समझा देना कि आजाद होकर भी वे अंग्रेजी के गुलाम कहलाते हैं। माँ सरस्वती के वीरा के बोले हैं हिंदी में, माँ सरस्वती के वीरा के बोले हैं हिंदी में, हर राजा और हीर के हम झोल है हिंदी में। ये हिंदी है हमारी संस्कृत और विरासत की जननी। ये हिंदी है हमारी संस्कृत और विरासत की जननी। हर दीवार की मस्ती, हर दीवार की मस्ती और दिल के शोर है हिंदी में। मीरा और कबीरा के गीतों में हिंदी है। मीरा और कबीरा के गीतों में हिंदी है। श्री कृष्ण और सुदामा के गीतों में हिंदी है। कवियों का कहना है कि भारत की पहचान ही हिंदी है। न कोई धर्म है, न कोई जात है, न कोई धर्म है, न कोई जात है, हर इंसान हिंदी है। ये हेलो हाय कहना तो वक्त की मजबूरी है। ये हेलो हाय कहना तो वक्त की मजबूरी है। आज भी मोहब्बतों में हिंदी जरूरी है। यहाँ सब सुबह उठकर गुड मॉर्निंग तो कहते हैं। पर ये सच है कि जय श्री राम बोले बिना हर सुबह अधूरी है। धन्यवाद।